दो से 2.5 लाख रुपए के बीच में अगर आप एक ऐसी बाइक सर्च कर रहे हैं जिसको लोग सड़क पर मुड़ मुड़ कर देखें, उसका रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो और उसमें पावर भी आपको अच्छी खासी मिले, तो आप जावा की 42 बॉबर को कंसिडर कर सकते हैं। ये एक ऐसी बाइक है जिसमें आपको सिंगल सीट मिलती है और भाई पावर भी इसमें आपको अच्छी खासी मिलती है। तो पावर क्या है, प्राइस क्या है, कितने वेरिएंट आते हैं इसके और इंजन में आपको क्या कुछ मिलने वाला है, वो सारी बातें आज इस वीडियो में होने वाली हैं। मैं हूं आपके साथ अजय शरावत और आप देख रहे हैं अजय ऑन व्हील। If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts. No one can save you. It's all on you. So, I hope आपको इसके सिनेमैटिक्स काफी पसंद आए होंगे। और अगर आप कॉलेज जाने वाले हैं, एडमिशन लेने वाले हैं, आप जा रहे हैं और आपके पास बाइक नहीं है ना, तो भाई ये बाइक आपको पूरे कॉलेज में यार मतलब सबसे अलग दिखाएगी। आपका कॉलेज में ना टोरा बन जाएगा इस बाइक से, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि भाई सिंगल सीट वाली बाइक यार लोग आज भी मुड़ मुड़ कर देखते हैं यार कि बाइक है कौन सी, सीट आई नहीं थी या लोगों ने हटवा दी। तो इसलिए कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए बाइक बेस्ट है अंडर 2.5 लाख में, ऑन रोड आपको दिल्ली में पड़ जाती है यार। सो शुरुआत कर लेते हैं इसके बेस्ट फीचर्स के बारे में। सबसे पहले आपको बता दो उसके इंजन की स्पेसिफिकेशन क्या है। इसमें आपको 334 cc का लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक BS 6 Phase 2 E20 कम्प्लाइंट इंजन मil जाता है, जिसकी जो पावर है वो है 30 BHP की पावर और 33 Nm का टॉर्क ये बाइक जनरेट करती है। और ये पावर बहुत ज्यादा है बुलेट से, क्योंकि उसमें आपको 19 BHP की पावर और 27 Nm का टॉर्क मिलता है, जबकि इसमें आपको बहुत ज्यादा पावर यानी कि एक स्प्लेंडर फालतू मिल जाते हैं इसके अंदर आपको, अगर आसान कहें। वीडियो की शुरुआत करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में आपको एक कंप्लीट हेडलाइट सेटअप मिल जाता है जो है LED। सामने आपको बैजिंग मिल जाती है 42 की हेडलाइट, बाइक के मुकाबले थोड़ी सी आपको छोटी लगेगी लेकिन ब्राइटनेस ओवरऑल ठीक है। बात करें भाई इंडिकेटर्स की, तो भाई इंडिकेटर आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट लगेंगे लेकिन भाई ये जलते बहुत अच्छे हैं। नीचे नंबर प्लेट मिल जाती है आपको। अगर बात करें मडगार्ड की, तो यहाँ पर आपको मेटल का मडगार्ड मिलता है, भाई मजबूत है। काफ़ी अच्छे टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक मिल जाते हैं देखने में, जो काफ़ी हैवी है और बहुत ज़्यादा मोटे लगते हैं। बात करें डिस्क ब्रेक की, 220 mm का आपको उसमें डिस्क ब्रेक मिल जाता है, बायब्रेक का सेटअप मिलता है, डुअल चैनल ABS आता है और जो टायर है ना वो मिलते हैं आपको C8 के जूम क्रूज टायर। बाइक टायर के जो लुक है ना वो काफ़ी अच्छे, क्योंकि टायर बिल्कुल आपको मिलेगा जैसे हार्ले में आता है ना मोटर टायर, उस तरह का आपको इसमें टायर मिलने वाला है। इसमें आपको 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है और भाई टैंक की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। कलर मुझे स्पेशली ये मिस्टिक कॉपर कलर है और ये काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर आपको जावा का लोगो मिल जाता है और यहाँ पर आपको जावा की प्लेट मिल जाती है और यहाँ आपको टैंक ग्रिप मिल जाती है। सीट भाई इस बाइक की सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा, और सीट के नीचे आपको भाई यहाँ पर बेस प्लेट मिलती है जो है मेटल की, ठीक है। आपको इसमें डुअल टोन में सीट मिल जाती है, यहाँ से सीट थोड़ी अपवर्ड है जो ड्राइवर को बैठने में और राइड को आरामदायक बनाने में काफ़ी हेल्प करती है। वाइट स्टिचिंग की हुई है और यहाँ पर आपको जावा का लोगो मिल जाता है विद लेदर के साथ। बाइक का नाम बॉबर है इसलिए सिंगल सीट वेरिएंट के साथ आती है और सीट के नीचे ही आपको यहाँ पर इसमें मोनो शॉक मिल जाता है जो 7 स्टेप एडजस्टेबल है, ठीक है। शॉकर की जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही गजब जगह की गई है और यहाँ आपको इसमें स्विंग आर्म मिल जाता है जो मेन स्विंग आर्म में टच होता है। अगर बात करें एग्जॉस्ट की, तो इसमें आपको 2 एग्जॉस्ट मिल जाते हैं, एक मिलता है राइट साइड में और एक मिल जाता है आपको लेफ्ट साइड में। सिंगल सिलेंडर है लेकिन एग्जॉस्ट 2 हैं, क्योंकि जावा की जितनी भी बाइक्स हैं पुरानी वाली यजदी या जावा उन सभी में 2 एग्जॉस्ट आते थे, लेकिन इस मॉडल में कंपनी ने क्या किया है, जो एंड है एग्जॉस्ट का उसके ऊपर एक स्टेनलेस स्टील की टिप दी है। ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है बाइक में और ये ऐसा नहीं कि नॉर्मल लगा दे, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको फिक्स किया गया है। बात कर रहे थे भाई इसके रियर सेटअप की, इसमें आपको पीछे भी अच्छा खासा डिस्क मिल जाता है जो बायब्रेक का है और डिस्क में गंदगी ना जाए इसलिए कंपनी ने डिस्क कैलिबर के ऊपर कवर भी दिया है। जो रियर टायर है वो भी आपको मिलता है C8 का जूम क्रूज टायर और इसका जो साइज़ है वो है 140/70/17, 140 नंबर का टायर है लेकिन जो टायर का जो साइज़ है ना मोटाई है वो 70 है, इसलिए टायर थोड़ा ज़्यादा बल्की सा लगता है देखने में। बात कर लेते हैं भाई रियर प्रोफाइल की, इसमें आपको छोटी सी पीछे टेल लाइट मिल जाती है, यही टेल लाइट पैराक में आपको यहाँ मिलती है लेकिन इसके अंदर आपको ये लाइट यहाँ मिलती है रियर में, वही सेम आगे वाला इंडिकेटर है और यहाँ पर आपको नीचे एक मिल जाता है रिफ्लेक्टर। सो गाइस बाइक बहुत ज़्यादा कूल लगती है देखने में और जब आप इस बाइक को रोड पर लेकर निकलोगे ना यार 100% हर बंदा मुड़ मुड़ कर देखेगा, क्योंकि ये बाइक दिखने में लगती इतनी ज़्यादा सेक्सी एंड कूल है। बात करें इसके हैंडल बार की, तो इसमें बड़ा सा हैंडल बार मिल जाता है, जो मिरर है ना वो आपको यहाँ मिलते हैं हैंडल बार के ऊपर। स्विचेस काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बड़ा आपको ये
पूरा सेटअप मिल जाता है स्विचेस के लिए जो नेविगेट करने के काम आता है। और एक और बात, इसके अंदर आपको चार्जर मिलता है सी टाइप और यूएसबी टाइप, ठीक है। राइट साइड में आपको किल स्विच मिल जाता है, हजार्ड लाइट मिल जाती है, और यहाँ पर आपको मिलता है सेल्फ स्टार्ट का बटन। मीटर में आपको क्या मिलता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, आपको ओडोमीटर मिल जाता है, टाइमिंग मिल जाती है, फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है, साइड स्टैंड अलर्ट मिल जाता है। यहाँ पर आपको छोटे से आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर आपको गियर इंडिकेटर मिलता है, और ये है आरपीएम है जो जाता है 12,000 तक, ठीक है। ऊपर मोटर की लाइट है, एबीएस की लाइट है, और बहुत सारे छोटे मोटे आपको यहाँ फंक्शन मिलने वाले। मीटर दिखने में छोटा भी सके लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें यहाँ आपको बताता है। सामने की तरफ बाइक में एक बड़ा सा भाई मिल जाता है आपको रेडिएटर, भाई इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, ठीक है। लेकिन बाइक की एक मुझे कमी और लगी, इसका जो इंजन है ना वो काफ़ी नोजी है। चलिए मैं आपको एक बार इसको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। आपको इंजन थोड़ा सा नोजी जरूर लगेगा। बाइक की हमने बहुत सारी खासियतें आपको बता दी, लेकिन अब बात कर लेते हैं कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में जो मुझे समझ नहीं आए और जो चला रहे हैं उनको भी नहीं आए होंगे। सबसे बड़ा इसका जो ड्रॉबैक है वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। इसमें आपको बस 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो यार बहुत ज्यादा कम है। आप देख पा रहे हैं इतना सा ग्राउंड क्लियरेंस है, अगर मैं इस बाइक को सीधा कर दूं तो ये और भी ज्यादा कम हो जाता है इस तरह से। तो कुछ इतना आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इसके अंदर। और बाइक डेफिनेटली अगर कोई बड़ा ब्रेकर होगा आपके शहर में तो ये बाइक वहाँ टकराएगी ही टकराएगी। वो तो शुक्र है इसमें आपको सिंगल सीट मिलती है, अगर इसमें आपको डबल सीट मिलती ना तो भाई 100% ये हर जगह अटक कर ही चलती। एक और बात जो मुझे समझ नहीं आई इस बाइक में वो है, सीट तो काफ़ी अच्छी है, सीट में मज़ा आता है देखने में, चलने में भी अच्छा लगता है, बैठने में भी अच्छा है, लेकिन इस बाइक को भाई पकड़ के कहाँ से आगे पीछे करें वो एक बड़ी बात है। इसमें कोई ग्रैब रेल नहीं दिया, ना कोई यहाँ सीट पर एक लेदर का स्ट्रिप होते वो भी नहीं है, तो इस बाइक को आपको यहीं से पकड़ के आगे पीछे करना पड़ता है। और भाई ये थोड़ा सा ना मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा, क्योंकि सीट दबती है, नीचे आपको लोहे की प्लेट मिल जाती है जो बेस प्लेट है उसको, थोड़ा सा ये एक अटपटा सा लगा कि हम एक जुगाड़ टाइप में एक बाइक को आगे पीछे खिसका रहे हैं या कर रहे हैं। हेडलाइट की बात करता हूँ, हेडलाइट आप देखेंगे ना तो बिल्कुल इस तरह के पार्ट हैं, आप इजीली देख पा रहे हैं ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी लो की है कंपनी ने। इसमें इंडिकेटर काफ़ी मजबूत है, ये नहीं टूटने वाले, मेटल का माल है, बिल्कुल मेटल टाइप का लग रहा है, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है, स्विचेस की क्वालिटी भी थोड़ी और बेटर हो सकती थी, इतने अच्छे स्विच मुझे नहीं लगे। जो प्लास्टिक की क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं, वो कुछ खास नहीं है। आप प्लान करते हैं इसको ख़रीदने का तो इसकी जो आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज है ना वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, और आप इस बाइक में अच्छे खासे मोड्स करा सकते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।